डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वन। तो आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वन में। आज आपके लिए इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आपको जो ये सिलेबस है बीएड का सेकंड ईयर का, इसमें आपको सेमेस्टर थ्री और सेमेस्टर फोर में क्या क्या पढ़ना है और कितना नंबर का प्रैक्टिकल बनाना है, कितना नंबर का असाइनमेंट बनाना है और कितना नंबर का आपका थ्योरी रहेगा। इस विषय में टोटल आपका कितना सब्जेक्ट में कितना नंबर है, सारा डिटेल से आज आपको इस वीडियो में हम समझाएंगे। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, तभी आप समझ पाइएगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कितना नंबर किस में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और दिखाते हैं आपको कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना और क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले सेमेस्टर थ्री में आपका जो कोर्स का नाम है आपका 7B। 7B जो कोर्स है इसको आपको पढ़ना है। इसका कोर्स का जो नाम है पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। ये पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट का मतलब होता है एक स्कूल विषय की शिक्षा शास्त्र, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसमें टोटल आपको जो थ्योरी में मिलेगा वो 50 नंबर का थ्योरी रहेगा और 100 नंबर का आपको इसमें प्रैक्टिकल रहेगा। 100 नंबर का आपको असाइनमेंट और प्रैक्टिकल बनाना है। तो इसमें देखिए, आपको जो 100 नंबर का प्रैक्टिकल बनाना है उसमें आपको टोटल 4 कॉपी बनाना पड़ेगा। यहाँ देखिए वो लिखा हुआ कितना कॉपी बनाना पड़ेगा, ये जो 4 लिखा है ये है आपका 4 कॉपी बनेगा आपका प्रैक्टिकल का। टोटल आपको इसमें 150 नंबर का रहेगा ये पेपर आपका पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। और देखिए यहाँ पे जो आपका ये कोड लिखा हुआ है 113.7B, इसके बारे में डिटेल हम जिक्र कर चुके हैं पार्ट वन वीडियो में, जिसमें आपको सिलेबस के बारे में बताए हैं। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस जिस वीडियो में बताएं उस वीडियो में इसके बारे में डिटेल से आपको बता चुके हैं हम। तो आप अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वो वीडियो देख लीजिए, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे नीचे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो उसके बाद देखिए आपका सेमेस्टर फोर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए सेमेस्टर फोर में टोटल आपको 500 नंबर का पेपर रहेगा, टोटल मार्क्स आपको 500 मिलेंगे और सेमेस्टर थ्री में भी टोटल मार्क्स 500 मिलेंगे। तो इसमें अब सेकंड ईयर में आपको टोटल 1000 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और फर्स्ट ईयर में भी होता है 1000 नंबर का, यानी कि टोटल 2000 मार्क्स मिलते हैं बीएड में। तो इसमें देखिए फोर्थ सेमेस्टर में आपको जो पढ़ना है वो कोर्स सिक्स पढ़ना है। कोर्स सिक्स में आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, ये है आपका कोर्स का नाम जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का मतलब होता है लिंग, विद्यालय और समाज, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसमें आपको टोटल थ्योरी में 50 नंबर मिलेंगे और प्रैक्टिकल में आपका रहेगा 25 नंबर। एक पेपर ही आपका, एक कॉपी ही बनाना है प्रैक्टिकल का और 50 नंबर रहेगा थ्योरी का। टोटल इसमें आपको 75 नंबर मिलेंगे इस पेपर में जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में। उसके बाद देखिए सेकंड जो कोर्स है आपका वो है 8B। इसमें पढ़ना है आपको नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट टू। नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट टू के बारे में आपको पढ़ना है। इसका मतलब होता है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। तो ज्ञान एवं पाठ्यक्रम सब्जेक्ट में आपको थ्योरी में 50 नंबर मिलेंगे और प्रैक्टिकल में आपको 25 नंबर मिलेंगे। टोटल 75 नंबर इसमें भी है आपका और इसमें एक ही कॉपी बनाना होगा आपको प्रैक्टिकल का। तो इसमें आपका टोटल नंबर 75 हो गया। उसके बाद देखिए आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको कोर्स 10 पढ़ना है, जिसमें आपका जो सब्जेक्ट का नाम है वो है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल। इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसका जो मीनिंग होता है, इसका जो मतलब होता है, ये होता है समावेशी विद्यालय का निर्माण, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो इसमें टोटल थ्योरी में आपको मिलेंगे 50 नंबर और प्रैक्टिकल में 25 नंबर। ये भी पेपर आपका टोटल 75 नंबर का पेपर है। उसके बाद आपको पढ़ना है वोकेशनल। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो 6 सब्जेक्ट है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इसमें से ऑप्शनल का मतलब होता है कि आप अपना इच्छा से कोई एक सब्जेक्ट को चुन सकते हैं, आपका इच्छा अनुसार आप कोई भी एक सब्जेक्ट को चुन सकते हैं इसमें। तो इसमें आपको ऑप्शनल में कोई भी एक सब्जेक्ट चुन लेना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो आप चुन सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट में जो ऑप्शनल
जो कोर्स है उसका नाम है वोकेशनल वर्क एडुकेशन। इसका मतलब होता है व्यावसायिक कार्य शिक्षा। इसके बारे में आपको ये बुक में पढ़ना होगा। उसमें भी आपको 50 नंबर और 25 नंबर प्रैक्टिकम में, टोटल 75 नंबर का आपको इसमें भी मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद देखिए सेकंड ऑप्शनल कोर्स में है हेल्थ एंड फिजिकल एडुकेशन। इसका मतलब होता है स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा। इसके बारे में आपको पढ़ना है और 50 नंबर का थ्योरी में एग्ज़ाम देना है और 25 नंबर का प्रैक्टिकम का एग्ज़ाम देना है। टोटल 75 नंबर इसमें भी आपका है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है पीस एडुकेशन। इसका मतलब होता है शांति शिक्षा। इसके बारे में भी आपको पढ़ना है और इसमें भी देखिए 75 नंबर का ही पेपर रहेगा। उसके बाद देखिए ऑप्शनल कोर्स है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसका इसमें भी आपको 75 नंबर पढ़ना है, तो 75 नंबर टोटल पेपर में रहेंगे। इसमें देखिए इसका मतलब है गाइडेंस एंड काउंसलिंग का मतलब होता है निर्देशन एंड उपबोधन, इसका मीनिंग होता है। तो इसमें आपको टोटल 75 नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए ऑप्शनल कोर्स और एक है, इसमें है, इसमें भी आपको 75 नंबर का ही क्वेश्चन करना है। इसमें भी आपको 75 मार्क्स ही मिलेंगे पूरा सब्जेक्ट में। इसका जो प्रैक्टिकम बनेगा वो भी एक ही बनेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे है योगा एडुकेशन। योगा एडुकेशन में भी आपको 75 नंबर का ही टोटल मार्क्स रहेगा। योगा एडुकेशन का मतलब होता है योग शिक्षा। इसके बारे में आपको पढ़ना है और उसमें आपका जो पेपर रहेगा उसमें 75 नंबर का पेपर रहेगा। उसके बाद देखिए उसके बाद आपका कोर्स आ जाता है EPC 3। ये कोर्स आपका आपका सब्जेक्ट में रहेगा, आपका सेमेस्टर 4 में, इस ऑप्शनल कोर्स नहीं है। तो इसके इसमें आपको टोटल मिलेंगे 100 नंबर। 100 नंबर का ये कोर्स है, इसमें 100 नंबर आपका रहेगा। 100 नंबर में आपको 50 नंबर प्रैक्टिकम बनाना है, 50 नंबर थ्योरी रहेगा। तो देखिए इसका जो सब्जेक्ट का नाम है वो है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT। इसका मतलब होता है कि ICT की महत्वपूर्ण समझ। इसके बारे में आपको पढ़ना है और 50 नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम देना है, 50 नंबर का प्रैक्टिकम बनाना है। उसके बाद देखिए कोर्स है EPC 4। इसका मतलब होता है योगा एडुकेशन, यानी कि योग शिक्षा। योग शिक्षा में सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसका मतलब होता है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है आत्मसमझ और विकास। इसके बारे में आपको पढ़ना है और टोटल जो इसमें आपका थ्योरी रहेगा वो 50 नंबर का थ्योरी होगा और टोटल आपका प्रैक्टिकम जो होगा वो 50 नंबर का होगा। टोटल इसमें आपको 100 नंबर मिलेंगे। तो टोटल आपको इसमें 100 नंबर का, ये आपका 100 नंबर का सब्जेक्ट है। तो इसमें दो को कॉपी बनाना होगा आपको, इसमें प्रैक्टिकम का और असाइनमेंट का। उसके बाद इसमें आपका थ्योरी का 50 नंबर है। तो टोटल इसमें भी आपको 500 नंबर का हो जाएगा 4th सेमेस्टर में, और थर्ड सेमेस्टर में 500 नंबर, टोटल 1000 नंबर का होगा, ये आपको बता चुके हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपका जो है ये आपका सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 का सिलेबस है। इसी सिलेबस के अनुसार आपका सारा एग्ज़ाम होगा, सारा प्रैक्टिकम होगा। तो इसी सिलेबस के अनुसार आपको सारा कुछ अपना पहले से ही रेडी कर लेना है और सारा सब्जेक्ट को पढ़ लेना है, ताकि आप अपना बीएड में अच्छा एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सके और अच्छा परसेंटेज ला सके। इसके लिए आपका ये सब तैयारी पहले से ही रखना होगा। तो हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इसका PDF चाहते हैं आपका सिलेबस का, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे जाके आपको बीएड में सारा मटेरियल आपको फ्री में मिलते हैं। जैसे कि आपका सारा सब्जेक्ट जितना भी है बीएड का उसका PDF मिल जाएगा, ई बुक जिसको कहते हैं, वो वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके आसानी से आपका जो सब्जेक्ट है उसको डाउनलोड करके आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और वहाँ पे आपको अपना प्रैक्टिकम असाइनमेंट का भी PDF मिल जाता है, जिसको देख के आप अपना प्रैक्टिकम असाइनमेंट को बना सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं वो सब PDF, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। धन्यवाद।